अश्वित पंचमी का दिवस है, क्या है ये अश्वित पंचमी, किस उपलक्ष्य में हम मनाते हैं, क्या आज के दिन हुआ था, ये सब जिनवाणियाँ क्यों सजाई गई है, ये सब लोग क्यों देखने जा रहे हैं, इन सब बातों की चर्चा हम करें। थोड़ी सी इसकी आवाज तेज कर देना। क्या नाम है आज के पर्व का? अश्वित पंचमी। आज के दिन सर्वप्रथम ग्रंथ जो है जो लिखा गया था वो आज पूरा हुआ। मैंने आज लिखित रूप में जिनवाणी का अवतरण हुआ था। इसके पहले पहले लोगों की इतनी बुद्धि थी कि लोगों को मौखिक रूप से याद आता था, इसलिए उनको लिखने की जरूरत नहीं समझी जाती थी। जब लोगों की बुद्धि कम होने लगी, याद नहीं रहने लगा, तो आचार्य को ऐसी प्रतीति हुई कि भाई ये चीज लिख दी जानी चाहिए, नहीं तो ये जिनवाणी अपने साथ ही चली जाएगी। आवाज कैसे आई? सब चुपचाप है, आवाज है। एक साथ 10-20 सभाएं चल रही है कभी, एक पीछे की एक मां की। क्या कहा मैंने? आज के दिन जो है मतलब आज के दिन सर्वप्रथम ग्रंथ का लिखा जाना पूर्ण हुआ था, ग्रंथ पूरा हुआ था आज। इसके पहले लोगों की बुद्धि थी, तीक्ष्ण थी, उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ याद करता जो पढ़ाए याद होता था। जब बुद्धि काम होने लगी, याद भी रहने लगा, तब आचार्य को इसको लिपिबद्ध करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। उन्होंने इसको लिपिबद्ध करा और जिस दिन सर्वप्रथम ग्रंथ रचा गया उस दिन को बड़े उत्साह के साथ में न केवल मनुष्यों ने अपितु देवताओं ने भी उस दिन को पर्व के रूप में मनाया। जो ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ उसकी पूजा की। आज के दिन जो है मनुष्यों ने और देवताओं ने मिलकर जो सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया था उसकी पूजा करी थी। क्या नाम था उस सबसे पहले ग्रंथ का? षटखंडागम। नमोकारनाम जो इतना प्रसिद्ध है, जो आपाल गोपाल सबको याद है, और नमोकार मंत्र षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण। इसलिए यदि लिखित रूप में कुछ सबसे पहले लिखा गया तो वो नमोकार मंत्र लिखा गया। नमोकार मंत्र के पहले कुछ नहीं लिखा गया, सब कुछ मौखिक था। यदि लेखनी यदि सबसे पहले अवतरित हुई तो वो नमोकार मंत्र के रूप में अवतरित हुई। सबसे पहला यदि कोई मंत्र भी लिखा गया तो वो नमोकार मंत्र लिखा गया, इसके पहले कुछ नहीं था। कहानी सबको याद होगी, कहानी सुनी होगी कि नहीं? षटखंड का व्रत पूरा हुआ था। कहानी कुछ शॉर्ट है। जब दर्शनाचार्य को लगा कि लोगों की बुद्धि कम हो रही है तो ये जो सैद्धांतिक ज्ञान है ये ज्ञान मेरे साथ लुप्त हो जाएगा, तो उन्होंने इसकी आवश्यकता समझी कि इसको लिपिबद्ध कर दिया जाए, मतलब लिखित रूप में इसकी सुरक्षा हो जाए, तो आगे की पीढ़ी को भी चीज मिल सके, नहीं तो हमारे साथ ये चीज चली जाए। ये विचार उनको आया और उसी दिन उन्होंने स्वप्न देखा तो दो हट्टे पट्टे पर स्वस्थ बेल पट्टे कट्टे हैं, मुंह में नहीं प्रवेश करे, मुंह में तो वो तीर्थंकर प्रवेश तीर्थंकर हाथी प्रवेश करे, दो हट्टे कट्टे बेलों को उन्होंने देखा और सुबह सुबह देखा तो वास्तव में दो मुदिराज उनके पास आए।
उन दो मुनिराज को मुनिराजों के संग से भेजा गया था। एक जगह सम्मेलन था अनेक मुनिराजों का, तो उस स्थान से उन्हें भेजा गया था और किसी चीज के लिए भेजा गया था कि दर्शनाचार्य के पास जो सैद्धांतिक ज्ञान है तो तुम उसको प्राप्त कर दिया। तो आए दोनों, उन दोनों को दोनों ने निवेदन किया कि हम आपके पास में सैद्धांतिक धर्म का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने आए, सैद्धांतिक शिक्षा कर्णाजों के गहन विषय को समझने के लिए। तो उन्होंने सीधे उनको पढ़ाना चालू नहीं किया, उन्होंने कहा पहले इनकी परीक्षा ले ली जाए कि इस योग्य भी है या नहीं, अन्यथा इनके साथ अपना समय भी दिया जाए और अंत में पता चले योग्य नहीं थे, इनका भी समय खराब होगा और हमारा भी खराब, इसलिए सबसे पहले इनकी परीक्षा हो, एलिजिबल ही नहीं है इसके पढ़ने के। तो उन्होंने उन दोनों को एक एक मंत्र दिया, कहा कि इसकी सिद्धि करो और इसकी सिद्धि होने पर तुमको सर्वांग सुंदर देवियों के दर्शन होंगे। तो ये मंत्र सिद्ध करने की विधि, और दोनों देव मुनिराजों को उन्होंने मंत्र दिए और दोनों मुनिराजों ने उन दोनों मुनिराजों को मंत्रों की सिद्धि की। मंत्र सिद्ध होने पर दो देवियां उपस्थित तो हुई लेकिन एक देवी की आंख नहीं थी और एक देवी के दांत जो था वो एक ज्यादा था। तो उन्होंने कहा अपने को तो कहा गया था कि सर्वांग सुंदर देवी होंगी, ये तो काणी है और ज्यादा दांत वाली। तो उन्होंने अब इसके बारे में उन्होंने कहा कि भाई इसमें कुछ न कुछ जो है ना कुछ गलती रह गई कहीं ना कहीं, अब क्या करें, गलती रह गई मंत्र में कोई गलती है जरूर, तो क्या करना चाहिए, अपने आचार्य परमिष्टि को जाके पूछना चाहिए कि सर इसमें क्या गलती रही। नहीं, उनके पास जाके पूछे तो फिर तो मतलब अपनी योग्यता का परिचय कहाँ हो। अपन लोग भी देखते हैं, हम किसी को कोई काम पे लगाए तो हर चीज के लिए पूछने आ जाए, अपन ने किसी को खाना खाने के लिए काम पे लगाया कितना नाम डर कितना डर गया, अब क्या डालू भाई साहब मिर्ची कितनी डाल कितनी देख लूँ डालू, अपन कहेंगे तेरे को कहीं कहीं रखा हमने, ये तो हर बात में हमसे पूछने आ जाएगी तो तू क्या काम कर पाएगी। काम होता है बिल्कुल स्वतंत्र रीति से, काम दे दिया यदि पूरा नहीं हो रहा तो अपनी बुद्धि लगा के उसको कर लो। तो वह आचार्य प्रतिष्ठि के पास गए नहीं, उन्होंने स्वयं ने अपनी बुद्धि से उन दोनों मंत्रों की परीक्षा करना चालू, देखा तो उन्होंने एक मंत्र में एक मात्रा कम थी जो जिसमें जिस मंत्र की सिद्धि से देवी काणी प्रकट हुई थी उस मंत्र में एक मात्रा कम थी, और जिस मंत्र की सिद्धि में अधिक दांत वाली देवी प्रकट हुई थी उसमें एक मात्रा ज़्यादा थी, उस मात्रा का हेरफार करना था। उन्होंने बराबर उसको शुद्ध किया, कम ज़्यादा करी मात्राओं को और पुनः उनकी सिद्धि करी, पुनः सिद्धि करने पर दोनों सर्वांग सुंदर देवियां फिर वो गए उनके पास, उन्होंने पूरा का पूरा समाचार कहा ऐसा ऐसा हुआ, पहले ऐसी देवी प्रकट हुई थी फिर हमने मंत्र की शुद्धि की और अब ऐसी देवी प्रकट हुई। तो वो जान गए कि दोनों जो शिष्य है वो शिष्य है और इनके ऊपर इनके द्वारा शुद्ध की रक्षा हो सकेगी। फिर उन्होंने उनको विधिवत पढ़ाया, तो पढ़ाया पूरा षटकंठा का सिद्धांत उनको पढ़ाया, तो पढ़ाने के बाद जब उन्होंने जाना कि अपनी आयु कमने भी है तो उन दोनों शिष्यों को वहाँ से रवाना करके कहा कि अब तुम इसका प्रचार प्रसार करो और जो भी लेखनी करनी है इसकी लिपिबद्ध करना है तो तुम करो। और फिर उन दोनों आचार्यों ने मिल के उस ग्रंथ को पूरा लिपिबद्ध किया, लिखा पुष्पदंत आचार्य ने शुरू के 5 खंड लिखे और भूतबली आचार्य ने आप भी 1 खंड, ऐसे दोनों ने मिलकर षटखंडागम ग्रंथ पूरा किया और आज के दिन ही ग्रंथ पूरा हुआ था। और इसके उपलक्ष्य में मनुष्य और देवताओं ने उस ग्रंथ की पूजा की और इस दिन को शुद्ध पंचमी पर्व के नाम से प्रसिद्ध किया जिसको हम आज भी मनाते हैं। ये घटना आज से लगभग 2000 वर्ष पहले की है, उसके पहले तो महावीर भगवान थे तब तक केवल ज्ञान रूपी सूर्य विद्यमान था, कोई जरूरत ही नहीं किसी चीज को लिखने की,
साक्षात तीर्थंकर विद्यमान महावीर भगवान जब मोक्ष गए तो कोई बात नहीं, उसके बाद में गौतम गंधर्व को उसी दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। महावीर भगवान को गौतम गंधर्व मिल गए हमको केवल ज्ञान, और गौतम गंधर्व भी 12 साल बाद मोक्ष चले गए। तो फिर सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, सुधर्माचार्य से अपने को वस्तु स्वरूप मिल गया। तो सुधर्माचार्य भी मोक्ष चले गए, जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, जम्बू स्वामी मोक्ष चले गए। अब क्या करें, अब तो मोक्ष पे ताला लग गया। लोग कहते हैं जम्बू स्वामी मोक्ष को ताला लगाने वाला जगह नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि जम्बू स्वामी के बाद में कोई केवल ही नहीं हुआ। तो जम्बू स्वामी तक तो केवल ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश बराबर इस क्षेत्र में रहा, मैंने यथावत तत्व की प्ररूपता ज्यों की त्यों रही, क्योंकि केवल ज्ञानी भगवान साक्षात विद्यमान थे। अब वो चले गए तो भी कोई बात नहीं, उसके बाद भी जो जिनवाणी गौतम गंधर्व ने भगवान महावीर स्वामी के मुख से सुनी थी वो जिनवाणी फिर भी सुरक्षित रही। मैंने जिस श्रुति को द्वादशाम के रूप में गौतम गंधर्व ने गूंथा था भगवान महावीर स्वामी की दीर्घनी सुनकर, और जो गौतम गंधर्व ने द्वादशाम रूप में जो श्रुति को गूंथा था द्वादशाम के 12 अंगों के रूप में विधिवत उसको बनाया था, तो वो बराबर सुरक्षित रहा। जम्बू स्वामी के मोक्ष जाने के बाद भी लगभग कई वर्षों तक तो द्वादशांग के पाठी रहे। वैसे भी मूल जो काम था वो तो द्वादशांग शुद्ध से चलता था अपना काम, केवल ज्ञानी भगवान भी उपदेश देते ना, वो भी जिनवाणी में जो लिखा है उसी बात को कहते हैं। तो यदि वो जिनवाणी में जो बात उन्होंने कही है उसका पूरा ज्ञान यदि अपने पास में है तो न भी सही केवल ज्ञानी तो भी अपना काम चल जाता। लेकिन जब द्वादशांग के पाठी भी समाप्त होने लगे तब दिक्कत आना चाहिए। अंतिम द्वादशांग के पाठी थे भद्रभाव स्वामी, और उनकी भी कहानी है बहुत अच्छी। भद्रभाव स्वामी के जो आचार्य थे वो गोवर्धन स्वामी थे, गोवर्धन स्वामी द्वादशांग के पाठी थे, और उनको ये चिंता हुई कि वो गोवर्धन स्वामी जो है काल के दोष से लोग बुद्धिहीन होती दिख रही थी। एक बार गोवर्धन स्वामी एक गाँव में आग के लिए गए तो गांव के बाहर कुछ बच्चे खेल खेल रहे हैं। खेल में एक बच्चा जो है गोटी चढ़ाने के खेल खेल रहे थे सब लोग, कि एक के ऊपर गोटी कौन चढ़ाता है, गोलियां गोली होती ना है, गोलियां थी सितोलिया से चढ़ाता था, एक के ऊपर 50 रुपये से क्या गोलियां थी गोलियां, और एक के ऊपर एक बड़ी कला से रखी जाती। तो वहां उन्होंने चाहते समय देखा एक बालक ने एक के ऊपर एक 12 की 12 गोलियां इतनी सुंदर रीति से जमाई, कोई एक के ऊपर एक रखने को समर्थ नहीं है, उसने 12 की 12 बड़ी सुंदर रीति से जमाई। तो निमित्त ज्ञानी थे गोवर्धन साहब, तो उन्होंने कहा कि अंतिम शुद्ध केवल प्रकट हुआ, बालक ही था अभी तक, और फिर उसको उन्होंने ले जाया अपने पास में ले गए, और फिर मतलब उनके माता पिता से उन्हें अनुमति मांगी कि हम इसको पढ़ा सकते हैं, कि आप इसके पास रख सकते हैं। तो उन्होंने क्या दिक्कत, उन्होंने उनको पढ़ाया। फिर पढ़ाने के बाद जब वो योग्य हो गए तो उन्होंने दीक्षा की प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा नहीं पहले तुम घर जाओ, परिवार वालों से पूछो कुछ दिन रहो, फिर तुम्हें जब एहसास होगा। फिर परिवार के पास गए, फिर उन्होंने कुछ समय रहने के बाद उन्होंने माता पिता से अनुमति लेकर दीक्षित किया। वो भद्रभाव स्वामी फिर आए सिंधु में, और उन्होंने पूरा आचार्य प्रवेष्टि से अपने आचार्य से गोवर्धन स्वामी से पूरा द्वादशांग पढ़ा। उन्होंने द्वादशांग के अंतिम पाठी हुए, अंतिम श्रुतकेवली मैंने उनको श्रुत का पूरा ज्ञान था। केवली होते हैं जिनको तीन लोग तीन काल सबका ज्ञान होता है, और शुद्ध के केवली माने पूरी जिनवाणी का ज्ञान होता है, वो क्या कहते हैं शुद्ध केवली। और उन्हीं के समय में चंद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त ने भूमि दीक्षा ली थी तो भद्रभाव स्वामी से ली थी, ऐसा इतिहास में
स्पष्ट उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त अंतिम जैन राजा थे, क्षत्रिय जैन राजा, जिसने मतलब जिसने कि पूरी पृथ्वी को जीता था। समुद्रांत जो पृथ्वी थी, समुद्रांत पृथ्वी को जीतने वाला वो अंतिम मंडलेश्वर जैन राजा था। उसके बाद में न तो कोई इतना बड़ा राजा हुआ, और जैन तो हुए राजा कई भी, लेकिन जो सबसे बड़ा राजा जैन तो था क्षत्रिय वंश का, वो अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के 16 सपने थे जो प्रसिद्ध है कि जो है सोने की थाली में कुत्ते की खाई, और हाथी के ऊपर बंदर बैठ के राज करे। हाथी वस्तु पर बैठा है, बंदर सोने की थाली खीर में खा रहे कुत्ते। ये इतने सच्चे हैं, अगर आप जाके देखो दुनिया की व्यवस्था तो बिल्कुल आपको देखा दर्शन होता है। जिन लोगों में कोई आचार विचार नहीं है, क्या एकदम निम्न आचार के धारी महाभ्रष्ट, और खीर खा रहे सोने की थाली, कुत्ते ऐसे भी गए नहीं, कुत्ते खीर खाते ही थोड़ा उनके लिए खेला, कुत्ते की अवमानना करना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 16 सप्ताह देखे थे, अंतिम सम्राट थे वो, और जिन धर्म में दीक्षित मतलब जिन दीक्षा धारण की थी उन्होंने, भद्रदेव स्वामी के काल में अकाल पड़ा था, दिगंबर और शकंबर में जो भेद हुआ था वो भद्रदेव स्वामी के समय पड़ा था। भद्रदेव स्वामी जो थे उन्होंने मतलब इतना जिन दीक्षा भी है, भद्रदेव स्वामी से चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ली थी। भद्रदेव स्वामी एक बार किसी घर में बाहर के ले गए, एक छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा पालने में लेटा हुआ था, लेकिन उस छोटे बच्चे ने पालने छोटे से बालक ने कहा पालने में लेटे लेटे जाओ जाओ जाओ। तो मुनिराज ने एक ही बात पूछी, कितने वर्ष का, उसने उंगली से बताया, उनका 12 वर्ष का यहाँ काल पड़ेगा। उन्होंने उसी समय अंतराय माना, उसको अंतराय मान के वापिस जंगल में आए, तो जंगल में सारे भूमि संघ के सामने घोषणा की कि यहाँ 12 साल का भीषण अकाल पड़ने वाला है, खाने पीने को मिलना मुश्किल हो जाएगा, और ऐसे समय में भूमिचर्या का निर्वहन बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए पूरे संघ को यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। तो वो कुछ लोग थे सेठी लोग, उन्होंने कुछ महाराज को पढ़ाया, महाराज हम जब तक हैं यहाँ पर तब तक आपको किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं आने दी, कोई कमी नहीं आने दी। और देखो सिंह अनाज के भंडार पड़े, ये कहाँ अकाल अकाल दिख रहे आपको, ऐसे तो लोग कुछ भी अनुमान कर सकते हैं, आपको दिख रहा है कोई अकाल, और हमारे पास इतना धन है वो काम क्या है, और अपना आस पड़ोस से बना लेकिन यहाँ अकाल पड़े, ऐसा कह के उन्होंने उनको समझा लिया। कुछ मुनिराज वहीं रुक गए, और बाकी के मुनिराज जो है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, तो बाकी के मुनिराजों के साथ में भद्रदेव स्वामी ने दक्षिण की ओर किया, चले गए दक्षिण। कुछ लोग यहाँ जो रह गए बाद में अकाल पड़ा, अकाल पड़ तो ऐसा भीषण अकाल पड़ा कि न केवल उस नगर में बल्कि आस पास में दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिला, दूर दूर तक अन्न का दाना मिलना मुश्किल था, सारा अनाज का भंडार था कुछ दिन रहा लोगों ने लूट लिया, जब खाने को नहीं मिला तो लोग देखते रहे न्याय की ठिकान है, लूट लिया कुछ नहीं रहा, इतनी खराब हालत थी कि मुनिराज आग के लिए गए और आग करके आए तो लोगों ने देखा कि ये भरा पेट जा रहा, तो उनको पकड़ा बीच में और पकड़ के उनको मार डाला, उनका पेट चीरा, और पेट चीर के उसमें जो अन्न था उस अन्न को खा गए, ऐसा उसमें लिखा, इतनी भयंकर हालत थी, मान गए ना भूख में मर गया हूँ भूख से, मैं क्या करूँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ये पेट जो है दिखता है सबको, तो इसको एक काम करो इसको ढक लो, काहे से ढक लो, कपड़े से ढक लो, तो देख नहीं पाया कपड़े से ढका हो, इसे बीच में एक बार कुत्ते पीछे पड़े, तो कुत्तों से बचाव के लिए क्या करें, एक लाठी ले लो,
लाठी दिखा सकेंगे सबको, लाठी नहीं। अब वहां खाना खा के आए तो लोगों ने कहा कि काम करो तो बाथरूम में ले आओ क्या, और दूसरों को भी खिला दो, एक जना जाएगा पांच को खिला दो, सबके लिए ले आए पात्र आ गए। तो धीरे धीरे करके शिथिला चार हो गया। अब उन्होंने कहा कि साहब महाराज ऐसी तकलीफ है, मृत्यु हो तो उससे क्या मतलब, मृत्यु मौत ही जब सामने आ रही तो धर्म कैसे होएगा, इसलिए कल कल बाद में क्या हुआ, अकाल 12 साल का पूरा टाइम हो गया, वापिस आए सारे आचार्य संघ वापिस आए वही। अब आया तो उन्होंने देखा कि जो हमारे साथ के जो मुझे ले गए थे ना उनकी स्थिति हो गई, तो उन्होंने कोई बात नहीं भाई ऐसा हो सकता है आप किसी गलती हो सकती है, तो उन्होंने उनको ये कहा कि देखो आपातकाल की कुछ व्यवस्था हो सकती है, कि अब तो आपातकाल चला गया, अब पुनः तुम वस्त्रों का त्याग करके पुनः जैनेश्वरी दीक्षा निकाल ये मार गए, तो उसमें से कुछ लोग तो मार गए, कुछ ने तो वापस दीक्षा धारण की। कुछ लोगों ने कहा कि जब अपनी पूजा ऐसी हो रही है, कपड़े सही भी हो रही है और ये वैसा का वैसा आकर दे रहे हैं, तब कौन कपड़े छोड़ के और वापस उस कठिन काम को करे, और उन्होंने उस चीज को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा जो है सो सही। और उनके लोग भी थे मानने वाले, उसके साथ रहे वो, तो उनके अनुयायी भी थे, तो वो उन्होंने पुनः जिन दीक्षा अंगीकार नहीं किया। यहाँ तक कि शास्त्र में इतना तक आता है कि उनके आपस में विरोध हुआ, तो फिर उन्होंने जिसने ये बात कही कि अपने को पुनः दीक्षा लेना चाहिए, तो वो जो वृद्ध मुनिराज थे उनके संग में, तो उनको भी उन्होंने मारा, जो युवा लोग थे। हाँ जो कि उनके अगुआ थे, किस बात के अगुआ थे, यही वेश ठीक है, वो वहां हुआ था, मतलब भद्रभाव स्वामी के काल में घटना घटी थी, ये तो उज्जैन में अकाल पड़ा, उज्जैन में अकाल उज्जैन पड़ा, बारह सौ दक्षिण के होते थे। ये तो बात नहीं, और बात की और भी पहले तो तीन ही उपकरण चलते, तीन धीरे धीरे तीन तीन होते हुए 14 हो गए, और अब वो 14 के 14,000 हो गए। इसलिए अपने जिन धर्म में तो एक तिलनी बराबर भी परिग्रह रखने की अनुमति नहीं, क्योंकि वो लंगोटी जो है लंगोटा बन जाती है। अब वो एक जरा सा वस्त्र था और वस्त्र से पूरा का पूरा परिवार हो गया, पूरा ही अपने मतलब वो गृहस्थ में और उसमें क्या भेद था, अनुमति नहीं थी इतनी से भी नहीं है क्या, इसलिए अपनी एक पद भी है छुल्लक और एलक का, यदि बस त्याग करने में समर्थ नहीं हो तो छुल्लक एलक पर परिग्रह से भी मोह है प्रीति है, तो तुम उसके पहले की जो प्रतिमा है वो रख सकते हो, परिग्रह का भी राग नहीं घटा है तो परिग्रह त्याग की दसवीं प्रतिमा में धारण नहीं कर सकते, परिग्रह का राग चला गया कोई बात मतलब असली क्या, अपने को पूरी उसके पहले भी जो है अवस्था है, ऐसा नहीं आर पार का काम या इस पार या उस पार, अपनी जितनी सामर्थ्य है उतना धारण करें। इसलिए 11 दर्जे कहें श्रावक के, 11 जो प्रतिमा है 11 दर्जे हैं, दर्शन प्रतिमा, रक्त प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषण प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि मुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा दर्जे। अपन लोग तो पंचम गुण स्थान के अंदर श्रावक की 11 प्रतिमाएं मानते हैं, श्रावक के 11 दर्जे दिगंबर धर्म मानता है, श्वेतांबर धर्म मानता है, माने कैसे, यदि वो मान ले तो वो फिर इसमें और उसमें भेद कैसे करे, क्योंकि ये जो श्रावक के 11 दर्जे हैं वो उसमें गिरता है, जिसको वो साधु कह रहे हैं उसको अपन श्रावक कह रहे हैं, तो या तो वो श्रावक को मना करना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं मानते 11 प्रतिमाओं का, उनके विधान ही 11 प्रतिमा उन्हें बिल्कुल निकाल,
बल्कि स्त्री की जो अपने छुल्ला गिलक का आचरण होता है वो उनके साधु गुरु के पास उनके साथ छुल्ला गिलक को छोड़ दो। जितनी शुद्धता से अपना एक सामान्य व्यक्ति भोजन करता है पर मर्यादित भोजन करते ना वो मर्यादित भोजन भी नहीं करते। यदि बाजार का बिस्कुट दे दिया जाए पार्टी जी का मैंने जो भोजन वे भी नहीं कर सकता वो भोजन भी वो कर सके क्योंकि मेरे को बहुत बार तकलीफ आई कई बार बुजुर्गों के साथ ही साथ बुला लिया तो आप भी कर लो लेकिन क्या कर लो एक चीज ऐसी नहीं जो खाऊं ना कम से कम फल फ्रूट ही ले आ जाते हो कुछ खाने को भी जाना पड़ेगा भूखे जाना पड़ेगा कुछ भी मतलब जो पात्रे में आ जाए तो वो सब कहाँ से क्या स्थिति हुई। इसलिए ये जो मूल जो दिगंबर जैन धर्म है मूल दिगंबर जैन धर्म में मुझे राज को इतने से भी परिकर को रखने की अनुमति नहीं है और इसलिए उसमें गुरु गुंदाचार्य की गाथा है इतना सा भी परिग्रह रखे उसका फल सीधा निगोद है इतने से क्योंकि उसके पहले की प्रतिमाएं पहले आप करो कोई मना नहीं नहीं अपनी सामने रखते ये पद धारण करके फिर यदि गलती करेगा तो उसका फल नहीं क्योंकि ये पद जो है ना ये वेश जो है ये तीर्थंकर भगवान का वेश है ये साक्षात तीर्थंकर का रूप है जिसे साक्षात तीर्थंकर थे वैसे ही ये चीज अंतर नहीं उनमें उस वेश की लज्जा होती है ना फिर उसमें फिर एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी ना अपने को अब जैन 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 के बीच में भाई फिर अन्य मत के साधु को भी पूछ दो तो अपन निकाल दें तो अपन ने एक लाइन खींच दी ये परिग्रह नहीं थे ये परिग्रह से 28 गुणों का पालन करते हैं नहीं करते इसलिए हमने अन्य मत को नहीं माना अपने को माना तो विशेषता पर पूछते हैं जैनी है तो सबको पूछ दो अपन कहते नहीं भाई तुम्हारे पास परिग्रह है और हमारे पास परिग्रह नहीं इतना सभी चिंतुष माधवी परिग्रह के हमारे धर्म में अनुमति है और हमारे साधु चिंतुष माधवी परिग्रह नहीं रखते 28 गुणों का अखंडित पालन करते इसलिए हम मान सकते क्योंकि क्राइटेरिया होता है एक चीज का एक ऐसा तो नहीं है चूंकि अपन जैन है अपन दिगंबर है तो अपन दिगंबर साधु को मानते हैं यदि अपन को कोई कहे कि तुम तो दूसरी तुम्हारी मम्मी पापा है वो श्वेतांबर है तो श्वेतांबर है तो क्या श्वेतांबर है तो तुम्हारा बुद्धि से क्या निर्णय है तुम तो अपने माँ बाप के धर्म को मान रहे हो अपने बुद्धि से निर्णय करके धर्म को क्या मान रहे हो वो सच्चा भी हो लेकिन यदि तुम्हारी बुद्धि से निर्णय किया हुआ नहीं हो तो उसका फल तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये तो खैर अपनी बात की थी तो उस समय हमने पूरा किया जैसे पूरी कहानी है मैं छेड़ा रखी नहीं वो कहानी कर तो वो हुआ वो उस दिन ग्रंथ पूरा हुआ था बहुत स्वामी के काल में सब